कर अधिवक्ता संघ के वार्षिकोत्सव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री। वकीलों ने दिया ज्ञापन। बरेली। उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संघ के वार्षिकोत्सव में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मुख्य अतिथि पद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी जो केंद्र सरकार ने लागू की है उसमें काफी सुधार हुआ है। केंद्रीय कमेटी इस पर विचार करती है और पूरे देश में टैक्स प्रणाली लागू की है, इससे जनता को राहत मिली है। अधिवक्ताओं ने केंद्रीय मंत्री को एक मांग पत्र भी दिया जिसमें जीएसटी में हो रही अड़चनों को दूर करने की मांग की। शीश मेहरोत्रा आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। बरेली टैक्स बार एसोसिएशन अधिवक्ता संगठन के लखनऊ के एवं बरेली टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य हैं। बरेली टैक्स बार के सचिव सरजीत सिंह जी को कास्ट द्वारा सम्मानित किए हैं। सभी साथियों से जुड़ी हुई है वो ये है कि हमें ये समझना होगा। एक चीज में बड़ी जनरली बात कह रहा हूँ, वो पूरे देश पर भी लागू हो रही है और विधि व्यवस्था पर वो और अधिक लागू होती है कि इस समय देश जो है सत्य है कि जिन देशों ने अपने देश में जीएसटी लागू की अगले चुनाव में जिन सरकारों ने लागू की थी वो चुनावों में दोबारा लौट कर नहीं आई, ये एक अलग बात है। पर हमारा देश इसकी सफर करता हूँ और जो लोग चर्चा करते हैं मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। जब जीएसटी लागू हुई थी तो उससे पहले 4-5 नौजवान साथी ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्हें ये नहीं मालूम था मैं कौन हूँ। आपस में बात कर रहे थे कि अब तक उनका कहना है कि जीएसटी लागू होने से पहले व्यापार करने में लगता था कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं। बोले अब हमें लगता यह है कि अब व्यापार करना एक अच्छा एक सम्मान का विषय हो गया है। एक व्यापार में एक नंबर दो के शब्द हम जो प्रयोग करते हैं वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये वास्तव में एक परिवर्तन और एक सही ढंग से व्यापार हो, जीएसटी उसका भी प्रतीक है और हम लोग मिलकर उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मैं कोई बहुत अधिक आपके बीच में बोलने खड़ा नहीं हुआ, जो सारी बातें आपने यहाँ पर थोड़ी बहुत जो बताई थी यहाँ पर वो मैंने सुनी दी है। आपको मेरा आग्रह है कि आपने जो ज्ञापन दिए हम भेजी देंगे, पर 31 से लोकसभा चल रही है, किसी दिन भी दिल्ली आप आकर हमको बताएंगे तो हम संबंधित मंत्री से समय लेकर आपको मिलवाने का भी काम करेंगे। और जो विसंगति है आपको लगता है सुधार होना चाहिए, हमारी रुचि होगी कि इस पर बातचीत हो और उसमें एक वास्तव में जो आवश्यक है वो सुधार करने का काम किया जाए। का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अभी सोच रहा था कि मेरा रजिस्ट्रेशन भी 1975 का है। अभी सबसे पहले जिनको आपने सम्मानित किया था वो मैं हम वो साथ ही साथ पढ़ाएंगे। इसलिए वास्तव में समय का पता नहीं चलता है। जीएसटी जुलाई 2017 में लागू की गई थी और मुझे इस बात का सौभाग्य रहा है कि पहली जीएसटी की 20 मीटिंगों में मैं उपस्थित रहा था। अब मैं चूंकि दूसरे मंत्रालय में आ गया हूँ तो ये मैं महसूस करता था कि उस समय से अब तक जब जब जितना भी आवश्यक हुआ है जीएसटी के संदर्भ में आवश्यक परिवर्तन होते रहे। अभी हमको बता रहे थे कि चूंकि पहले वित्त मंत्री वकील थे वो जिस हिसाब से चिंता करते थे तो बहुत सारी बातों का उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। पर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि पहले वित्त मंत्री जो थे उन्होंने सारे फैसले सर्वसम्मत लिए थे और मैं मीटिंगों में मैं देखता था कि अगर एक राज्य का प्रतिनिधि भी कुछ विपरीत बात बोलता था तो वो उसके ऊपर लंबी चर्चा भी करते थे और उसको
अंतिम निर्णय आने तक के लिए स्थगित भी करते थे। और पहली 20 बैठकों का मुझे ज्ञान है कि जितने भी निर्णय हुए जीएसटी से संबंधित, सारे के सारे निर्णय सर्वसम्मत हुए थे और सारे फैसले एक सही दिशा में लिए गए थे। ये मैं महसूस करता हूँ कि दुनिया के किसी भी देश में टैक्स स्ट्रक्चर में 5 प्रकार के टैक्स जीएसटी में नहीं हुए हैं, 1 या 2। हमारे देश की स्थिति कुछ विपरीत थी, इसलिए हमने जो शुरुआत में व्यवस्था करी थी, अब धीरे धीरे उसको कम करने की दिशा में चलने का काम हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी जो विसंगति आपको नजर आ रही है, अभी साथियों ने 2-4 बातें बताई, मुझे लगता है कि 1 तारीख को आम बजट पेश हो रहा है, उसके बाद किसी दिन भी आप लोग अगर दिल्ली आएंगे तो हम आपको वित्त मंत्री से मिलवाएंगे भी और कोशिश कर पाएंगे। आपने जो अभी ज्ञापन से भी आप आएंगे, हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको एक सही बात आपकी करवा दें और उसका समाधान करवाने की दिशा में बात करें। यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों ने की थी और मुझे लगता है कि हमें ध्यान है एक बात जो हम लोग रिपीट करते हैं कि दुनिया के इस समय टैक्स बार एसोसिएशन का टैक्स में काम करने वाला अधिवक्ता, तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि देश में व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए और पटरी पर लाने के लिए, जिसे वैज्ञानिक भाषा में स्ट्रीमलाइनिंग कहा जाता है, ये वर्जनाएं का टूटना बड़ा जरूरी है और ये बड़ा कष्टकारी होता है। जब भी नवसृजन होता है तो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सहना हम सबको पड़ेगा अगर देश को आगे ले जाना है तो। अब ये बात टैक्सेशन बार पे या रेवेन्यू सिस्टम पे कैसे लागू होती है, हमको ये समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स में जो डायरेक्ट टैक्स है वहां पे सरलीकरण, इक्विटी विद एफिशिएंसी का नारा दिया गया, ठीक है, वहां पे आपने सरल करा, आपने ऐसा चाहा कि आदमी अपना इनकम टैक्स का फॉर्म खुद भर सके, वहां तो बात ठीक है। लेकिन ये टैक्स डायरेक्ट नहीं है, ये टैक्स इनडायरेक्ट है। प्रदीप भाई, मैं मेरी बात में आप शब्द को जोड़ना चाह रहा है, तो जब इनडायरेक्ट टैक्स है तो यहां पर सरलीकरण का मतलब तब तक नहीं है कि जब तक आपको इतनी जटिल प्रक्रिया है आपको स्पेशलिस्ट से ही काम कराना पड़ेगा। अब हमारी सीपीसी हो, हमारा पूरा लीगल सिस्टम हो, वो केवल अधिवक्ताओं को किसी की बात को आगे रखने की अनुमति देता है और किसी को नहीं। किसी भी आदमी को प्रेडिक्ट करने का और किसी दूसरे की वकालत करने का अधिकार सिर्फ अधिवक्ता का है, न चार्टर्ड अकाउंटेंट पर है और न किसी प्रकार के टैक्स कलेक्टर पर। इसके बारे में एडवोकेट एक्ट 1961 का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तमाम रूलिंग है और हमारी बार काउंसिल के स्वयं के इतने निर्णय है कि किसी और को अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था को समझने में कहीं चूक हो गई। हर जो वो सरलीकरण जो डायरेक्ट टैक्स में तो जरूरी है क्योंकि आदमी स्वयं भर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में इस सरलीकरण को एफिशिएंसी के कंपनसेट करने की जो गलती चूक हो गई उसके दुष्परिणाम आज आ रहे हैं। आज ही अखबार में हम लोगों ने देखा जितने भी वकील है उन्होंने अपनी समस्याएं रखी है, उन्होंने कहा है कि सरलीकरण की बात की गई थी लेकिन सरलीकरण कहीं नहीं है। ना जीएसटी जब से लागू हुआ है, पहली जीएसटी की 20 बैठकों में मैं भी रहा हूँ, ये एक प्रक्रिया है और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये कहा गया है कि धीरे धीरे सुधार होगा और सुधार हो रहा है। भैया रुक जाइएगा, जीएसटी में जो भी शिकायत आ रही है उसको एक प्रक्रिया के तहत हल करने का काम हो रहा है। मैं यहाँ ये बता दूं कि जीएसटी की काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं और वही फैसला लेती है, लोकसभा फैसला नहीं लेती है। तो जीएसटी काउंसिल जो भी फैसला लेती है उसको फिर क्रियान्वित करने का काम किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो सुधार हो रहा है, अब भी कोई ऐसी बात आएगी तो अगर जीएसटी काउंसिल में उसकी चर्चा होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा। मैंने अभी यहाँ पर कहा है, मैं इस संदर्भ में जो भी इन्हें विसंगति नज़र आ रही है, कमी नज़र आ रही है, जो सुधार आवश्यक है उसको हम माननीय वित्त मंत्री जी को बताने का काम करेंगे और जीएसटी अगले बैठक में बार बार हो रहे बदलावों और लेट फीस से लोग बहुत परेशान हैं। नहीं, जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग में ही बदलाव होता है, बार बार नहीं होता है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग सामान्यतः 1 महीने में 1 बार होती है और ये महसूस किया गया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, प्रारंभिक जो कमियाँ होंगी उनको देखा भी जाएगा और सुधार भी किया जाएगा।
एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।